नमस्कार, मैं सत्यसाई कार्तिक, उपविभागीय पुलिस अधिकारी, लोनावला, पुणे ग्रामीण। लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के हद में एकवीरा देवी माता के चैत्र पालकी यात्रा अप्रैल 15 और 16 को होने वाला है। इसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। पुणे ग्रामीण पुलिस के तरफ से 350 से ऊपर कर्मचारी और अधिकारी हम लोग बंदोबस्त के लिए डिप्लॉय करने वाले हैं। इतर डिपार्टमेंट्स के साथ भी हम लोग ने कोऑर्डिनेशन रखकर बहुत सारे फैसिलिटीज़ इस यात्रा के लिए हम लोग ने उपलब्ध किया है। जैसे एक पुलिस मदद केंद्र हम लोग ने सेटअप किया है, पुलिस कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेंटर सेटअप किया है। इसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और फायर सेफ्टी, फायर ब्रिगेड टीम, टॉयलेट फैसिलिटीज़, ये सब और बाकी सारे फैसिलिटीज़ हम लोग ने उपलब्ध किया है। इनके साथ साथ भाविकों को तकलीफ़ ना हो, इसके लिए पार्किंग स्पेसेस हम लोग ने अवेलेबल किया है। जैसे हैवी व्हीकल्स के लिए अलग पार्किंग स्पेसेस और स्मॉल व्हीकल के लिए अलग पार्किंग स्पेसेस, ऐसे बहुत सारे एडिक्वेट पार्किंग स्पेसेस हम लोग ने अवेलेबल किया है। इसके साथ साथ पुणे जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से ट्रैफिक डाइवर्शंस, जैसे हैवी व्हीकल्स के लिए डाइवर्शंस और स्मॉल व्हीकल्स के लिए डाइवर्शंस, उस दिन के लिए हम लोग ने परमिशंस उपलब्ध किया है वहाँ से, और वो डिटेल्स हम लोग प्रेस नोट के तरफ से हम लोग शेयर करेंगे। उसके साथ साथ उस दिन 14, 15 और 16 अप्रैल को ड्राई डे घोषित किया गया है, तो दारू बिक्री और सेवन उस दिन बैंड है। उसके साथ साथ फायरवर्क्स और डीजे का उपयोग करना भी बैंड है और उसका रिस्ट्रिक्शंस है। मेरे भाविकों के लिए एक विनती है कि पुलिस प्रशासन को सहकार्य करें और जो भी पुलिस के तरफ से इंस्ट्रक्शंस है उनको पालन करें और ये इंश्योर करें कि इस यात्रा अच्छी तरह से हो। धन्यवाद। दिनांक 14, 15 आणि 16 या दरम्यान एकवीरा देवी गडाची यात्रा हा मुख्य दिवस आहे। दिनांक 14 रोजी देवघरला माहेरगरी येणार आहे पालखी। दिनांक 15 दिवशी मुख्य दिवस आहे, पहाटे तेलवनाचा कार्यक्रम असतो आणि त्याच्यानंतर भाविक घरी, अशा प्रकारची रूपरेषा आहे। त्याकरिता प्रशासनाने कार्ला जो मुख्य जुना हायवेपासून पायथा मंदिर इथपर्यंत जड वाहनांना आम्ही वाहतूक बंदी केलेली आहे दिनांक 14 ते 16 पर्यंत, तर कोणतीही जड वाहनं आतमध्ये येणार नाही याची भाविकांनी दक्षता घ्यावी, त्यांची गैरसोय होऊ नये, त्याप्रमाणे आपण येण्याकरिता आपण तशी व्यवस्था करावी, छोट्या गाड्या किंवा करावं। तसंच दिनांक 14 रोजी रात्री ते दिनांक 15 रोजी रात्री ह्या दिवशी जुना मुंबई पुणे वाहतुकीवर अवजड वाहनांना बंदी करण्यात आलेली आहे। ह्या वेळेमध्ये 14 रात्री 12 ऑनवर्ड्स ते 15 रात्री जुनी जी जड वाहनं आहेत ती वडगाववरून जी लोणावळ्याला येणार आहेत ती एक्सप्रेस हायवेने जातील, सिटीमधून जी येणार आहे लोणावळा सिटीतून ती एक्सप्रेस हायवे मार्गे जातील, या प्रकारच्या आदेश कलेक्टर साहेबांतर्फे प्राप्त झाले। तसेच 144 ऑर्डर या पारित झालेल्या आहे। 144 ऑर्डरमध्ये गडावरती फटाके वाजू नये, गडावरती डीजे वाजू नये, पशुपक्ष्यांचा बळी देऊ नये किंवा मोठ्या मोठ्यात बँड वगैरे याला बंदी केलेली आहे, या बाबतचे आदेश प्रशासनाने पारित केलेले आहेत। तरी भाविकांनी, जे येणारे भाविक आहेत, त्यांनी याची दक्षता घ्यावी जेणेकरून त्यांना कायद्याच्या कारवाईला सामोरं जावं लागणार नाही। तसेच पोलीस मदत केंद्र आपण ग्रीनफील्ड चौक इथे उभारलेलं आहे, काहीही मदत लागल्यास इथे ग्रीनफील्डच्या इथे पोलीस मदत केंद्र आहे। तसंच आपण PA सिस्टीम जागोजागी लावलेल्या आहेत जेणेकरून भाविकांना मार्गदर्शन होईल किंवा जिथे राहुट्या लावलेल्या आहेत किंवा कसं एक्झिट आहे। आता पार्किंग जर हेवी आपण नाही केली तर आपण पार्किंग कुठे केलेली आहे, तर ते अग्रसेन भवन म्हणून आहे, तिथे एक मोठं ग्राउंड आहे, ओपन ग्राउंड, तिथे आपण पार्किंगची व्यवस्था केली आहे। दुर्गा परमेश्वरीच्या इथे आपण केलेली आहे, लाजवंती आहे, अशा आपण पर्यायी व्यवस्था दिली आहे, भाविकांनी तिथे वाहनं पार्क करावं।
तसंच 15 आणि 16 याबाबत एक्साईज मार्फत मद्य विक्रीचे बंदीचे आदेश प्राप्त झालेले आहेत, तर याची सर्व भाविकांनी लक्षात घ्यावं आहे।